बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, शुक्रिया। इसलिए वो यकीम और सलात और नमाज को कायम करते हैं। और नमाज किसने कहा? और नमाजी भी पांच रखी है, नमाजी भी पांच रखी हैं। इसलिए पांच नमाजें रखी हैं इसलिए कि पांच का आदत फना नहीं होता। पांच का आदत अजीब है, ये फना नहीं होता। आप पांच को पांच से मल्टीप्लाई करें 25 बन जाता है, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करें 125 बन जाता है, 125 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो गोया कि आप ट्रिलियन तक चले जाएं, मिलियनों तक चले जाएं, तो 5 का आदत उसके अंदर कायम रहता है, 5 फना नहीं होता। तो इशारा इस बात की तरफ कर दिया कि ये नमाज की इबादत ऐसी है, ये नमाज की इबादत जब तुम पर लागू कर दी गई है, अब मरते दम तक तुमसे माफ़ होने वाली नहीं है। तुम अमीर हो तो पढ़नी है, तुम गरीब हो तो पढ़नी है, तुम कमज़ोर हो तो पढ़नी है, ताकतवर हो तो पढ़नी है, बीमार हो तो पढ़नी है, सेहतमंद तो पढ़नी है, मर्द है तो पढ़नी है, औरत है तो पढ़नी है। गोया कि मरते दम तक अभी नमाज चलती रहेगी। यहाँ तक अगर खड़े होकर नहीं पढ़ सकते तो बैठ के पढ़ोगे, बैठ के नहीं पढ़ सकते लेट के इशारे के साथ पढ़ोगे, लेकिन अब मरते दम तक नमाज तुमसे माफ होने वाली नहीं। अल्लाह अकबर। जैसे पांच का आदत अब फना होने वाला नहीं, अब नमाज तुमसे माफ होने वाली नहीं। इसलिए अल्लाह युकीमून सलात फरमाया, नमाज का जिक्र फरमाया, रोजे का जिक्र नहीं किया, जकात का जिक्र नहीं किया, हज का जिक्र नहीं किया, क्योंकि ये तीनों इबादतें मशरूत हैं।